अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, होप सो दैट यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बड़ा ही खूबसूरत सा ग्लॉसी मॉडल मेकअप लुक विद डार्क लिपस्टिक जो है वो शेयर करने वाली हूँ, जो कि स्पेशली बिगिनर्स के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज उनको क्रीज बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। सो हम आज एक हैक यूज़ करने वाले हैं इस मेकअप लुक को अचीव करने के लिए। आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, मैंने ज़्यादातर जो है वो ऑयली स्किन के लिए प्राइमर्स या जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ की हैं, बिकॉज मेजोरिटी की जो स्किन है ना वो ऑयली होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, जिसकी वजह से बेस जो है वो बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं लगती, स्किन जो है वैसे पैची खुरदरी और जो पैचेस जो है वो बन जाते हैं स्किन पे, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं। तो आप मेकअप रेवोल्यूशन का हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो मेकअप से पहले, जो कि आपकी स्किन को काफ़ी हद तक मॉइस्चराइज रखता है। अब जी, मेरे पास गिब्रिनी का मास्टर स्ट्रोबिंग स्टिक हाइलाइटर है, जिसमें मेरे पास दो शेड्स हैं, एक थोड़ा सा ब्राउनिश टोन की तरफ होता है जो कि नॉर्मली हर स्किन टोन पे चल जाता है, और एक अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना पिंक टोन की तरफ, ये है पिंक टोन वाला जो हाइलाइटर है ना, वो आपको पता है कि पिंक कलर जो है ना वो ज़्यादातर जो बिल्कुल फेयर टोन वाले होते हैं ना, जिनकी स्किन बहुत फेयर होती है, उनके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो ब्राउन वाला है ना, वो नॉर्मली हर स्किन टोन पर चल जाता है। सो इसका मैं फेस के उन पार्ट्स पर लगाऊंगी जो जो मुझे हाइलाइटेड दिखाने हैं, हाइलाइटेड पार्ट्स होते हैं। अभी मेरे पास एमिली पैरिस का वाटर कलर ब्लशन है, जिसका नंबर है मेरे पास 3। इसको मैं अपने चीक्स पर हल्का सा जो है वो लगाऊंगी, और अपने नोज़ की टिप ऑफ द नोज़ जो है ना वहाँ पर भी मैं इसको जो है वो थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। उसके बाद आप इसको ब्लेंड आउट करोगे, जिसके लिए आप कोई भी जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर या फिर आप कोई भी ब्रश ब्यूटी ब्लेंडर कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है, आप जिसके साथ ईजी हो, आप उसके साथ इसको जो है वो ब्लेंड आउट कर सकते हो। अभी मेरे पास एले गर्ल का प्रो कंसीलर है, जिसका शेड है मेरे पास डार्क ब्राउन। इसको मैंने अपने फेस के उन पार्ट्स पर अप्लाई करना है जिनको कि हमने डेप्थ देनी है, जिनको कि हमने हाइड करना है, ठीक है जी। अभी आपने कोशिश ये करनी है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, हल्का हल्का सा अप्लाई करना है, ताकि आपको ब्लेंड करने में आसानी हो, ऐसा ना हो कि पूरा फेस जो है वो ब्लैक हो जाए। अब इसको ब्लेंड करने के लिए भी आपको एक छोटे साइज़ वाला ब्रश चाहिए होगा, बहुत बड़े साइज़ वाला ब्रश नहीं लेना आपने, वरना पूरी कंटूर जो है ना वो अच्छी खासी ब्लेंड हो जाएगी, या तो बिल्कुल गायब हो जाएगी और या फिर पूरा हिस्सा जो है वो ब्लैक हो जाएगा। तो आपने मीडियम साइज़ वाला ब्रश लेना है, ताकि आपको ब्लेंडिंग करने में आसानी हो। बाद में मजीद ब्लेंडिंग के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो, जैसा कि मेरे पास 2 ब्यूटी ब्लेंडर्स पड़े थे जो कि वेस्ट हो चुके थे, मतलब ख़राब हो चुके थे, तो मैंने उनको सेंटर से कट कर लिया है। अब मैं उन ब्यूटी ब्लेंडर्स को जो है ना वो कंट्रोल लाइन को ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अभी मेरे पास मैबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर है, जिसको आप इस तरह से घुमा घुमा के ओपन करते हो। अगर आपने कभी ये यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि ये बड़ा ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, फुल कवरेज है इसकी। सो इसको मैं मेरा फेस के वो पार्ट्स जो कि मैंने छोड़ दिए थे, जिन पर अभी मैंने कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट मैंने हाइलाइटर लगाया था, उन पार्ट्स पर जो है ना मैं इसको अप्लाई करूँगी। और फाइनल लुक आप देखो कि मैंने किस पार्ट पर कौन सा कलर जो है वो अप्लाई किया है। अब हमने इन तीनों कलर्स के लिए ब्रशेस भी अलग अलग रखने हैं, मतलब आपने फाउंडेशन के लिए अलग ब्रश यूज़ करना है, अपने कॉन्टोर कलर के लिए अलग ब्रश रखना है, और ब्लशन के लिए अलग ब्रश रखना है। तीनों ब्रशेस को आपने अलग अलग यूज़ करना है, तीनों को आपने आपस में मिक्स नहीं करना। अभी जी, मेरे पास काशियस का कॉम्पैक्ट पाउडर है, जिसका नंबर है मेरे पास 1। इसको आप सिंपल वाले स्पंज के साथ जो है ना अप्लाई करोगे, जस्ट वहाँ जहाँ जहाँ पर आपने कंसीलर अप्लाई किया था। इसके अलावा आपने इसको ना कंटूर कलर के साथ टच करना है, ना ही ब्लशन के साथ टच करना है, वरना पूरा फेस जो है वो इवन हो जाएगा और आपको अंडरग्राउंड वायरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है जी। सो आपने इसको जस्ट वहाँ लगाना है जहाँ जहाँ पर आपका कंसीलर लगा हुआ था। अब एक्स्ट्रा पाउडर को आप किसी भी बड़े साइज़ वाले ब्रश के साथ डस्ट आउट कर दोगे। अब बारी आती है जी हमारे कॉन्टोर कलर की, तो कॉन्टोर कलर को भी हमने सेम कलर लाइक ब्राउन की सीरीज़ में रहते हुए आपने पाउडर शेड लेनी है, और इसको आपने जस्ट वहाँ लगाना है जहाँ जहाँ पर आपने कॉन्टोर कलर लगाए थे, ठीक है जी। सो मैं क्रिस्टीन का कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसका नंबर है मेरे पास 2। इसके साथ हम प्रॉपर जो है ना अपने फेस की कॉन्टोरिंग करेंगे, लाइक कंटोरिंग तो हो गई थी ना, जस्ट हमने उसको जो है वो फिक्स करना है पाउडर कलर के साथ, सेम एज इट इज़। अब हमने अपने ब्लशन वाले कलर को जो है वो फिक्स करना है, ब्लशन वाले शेड को फिक्स करना है, तो उसके लिए भी हम कोई पिंक कलर पाउडर शेड में जो है वो यूज़ करेंगे। अभी मेरे पास फोकलेवर का आईब्रो पेंसिल है, जो कि बिल्कुल कोम की तरह है, लाइक इसके ब्रेसेस बने हुए हैं आगे 4-5। अभी इसका फ़ायदा यह है कि आप इसको ना अपने आपके जो आईब्रोज के बाल है ना, वो जिस डायरेक्शन में है ना, आपने इस ब्रश को भी उसी डायरेक्शन में मूव करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके आईब्रोज बिल्कुल नेचुरल ड्रॉ होंगी, जस्ट जहाँ जहाँ पे आपके बाल कम है वहाँ पर लाइन्स जो है वो बन जाएंगी, जो कि बिल्कुल भी अवर नहीं लगेंगी। अभी मेरे पास जी क्रिस्टीन का कॉन्टोर पैलेट है, जिसका नंबर है 4, और इसके साथ है मेरे पास एक खाने वाला चम्मच, जो कि हम यूज़ करेंगे आई मेकअप करने के लिए। सो आपने इसको इस तरह से अपनी आईज़ के ऊपर रख देना है, जस्ट आपने इस तरह से ऊपर आईब्रोज के नीचे जो है ना हल्का सा वी छोड़ना है, जहाँ पर आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है एक छोटे साइज़ वाले, बिल्कुल छोटे साइज़ वाले ब्रश के साथ, ताकि आपकी पूरी आईज़ जो है वो ब्लैक ना हो।
क्रिस्टीन का काउंटर पैलेट फ़ोन नंबर ही मैं इसमें जो है वो यूज़ कर रही हूँ। बोथ साइड पर हम इसी तरह से जो है वो स्पून रखेंगे और इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस क्रिस्टीन का कॉन्टोर पैलेट लिया है, जिस शेड इसका जो है वो डिफरेंट है, 2 नंबर पैलेट है जिसके अंदर से मैंने लाइट ब्राउन वाला कलर लिया है। स्पून रख के आप इसके साथ जो है वो इसकी मजीद ब्लेंडिंग करोगे ताकि आपके जो ब्राउन कलर की शार्पनेस है ना वो थोड़ी कम हो जाए। और अदर साइड पर मैं स्पून नहीं यूज़ करी ताकि आपको बता सकूँ कि आप बगैर स्पून के भी इसको जो है वो कर सकते हो। अभी जी मैं स्पून की बैक साइड यूज़ करने वाली हूँ। सो बैक साइड आपने रखनी है इस तरह से अपनी आइज के कॉर्नर पर और इतनी टेढ़ी रखनी है कि आपकी आईब्रोज का जो लेंथ है ना वहाँ तक आपका जो स्पून है वो जाना चाहिए। आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद आप देखोगे कि जब आप स्पून हटाओगे ना तो ये बिल्कुल एक विंग लाइनर जैसे आप लगाते हो ना सेम वही वाला लुक आएगा। अगर आपको लाइनर लगाना नहीं आता ना तो सेम आप स्पून रख के ना इस कलर की जगह लाइनर यूज़ करोगे तो मज़े का एक विंग लुक लाइनर जो है वो इसमें बन जाएगा। डार्क ब्राउन कलर को मजीद ब्लेंड करने के लिए वही वाला सेम कंटूर पैलेट 2 नंबर हम यूज़ करेंगे ताकि इसकी जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाए। अभी जी मेरे पास जेने ब्रांड का ग्लिटर है जिसका नंबर है मेरे पास 9। इसके अलावा जी मेरे पास एक सीलर है जो कि सेम इसी ब्रांड का है, जेने ब्रांड का। इन दोनों को हमने जो है ना आप इसको थोड़ा सा किसी साइड में किसी डिब्बी में या इसी ग्लिटर के बाउल में सॉरी कैप में जो है वो निकाल लोगे, सीलर के साथ मिक्स करके मिक्सर बनाओगे और किसी भी बारीक से ब्रश के साथ जैसा कि आप लाइनर वाला ब्रश भी ले सकते हो लेकिन उस पर लाइनर नहीं लगा होना चाहिए वरना पूरी आँख जो है वो काली हो जाएगी। अब आपने जो डार्क ब्राउन वाली लाइंस लगाई थी ना उसके नीचे आपने ग्लिटर वाली लाइंस लगानी है, आई लिड के ऊपर जो लाइन लगाई थी वहाँ भी और जो आपने लाइनर की जगह डार्क ब्राउन कलर लगाया था उसके नीचे भी आपने इसको जो है वो लगाना है। अभी मेरे पास गिबरेली का हाइलाइटर है एनेबर पैलेट जिसमें से मैंने डार्क ब्राउन और थोड़ा सा मीडियम ब्राउन वाला जो शेड है ना उन दोनों को सॉरी ब्राउन नहीं डार्क वाला वाइट वाला और मीडियम वाला कलर दोनों को मिक्स करके अपने ब्रोबोन एरिया को और इनर कॉर्नर दोनों को मैंने जो है वो इसके साथ हाईलाइट कर दिया है। क्रिस्टीन के कॉन्टोर पैलेट जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ मैंने अंडर आई भी जो है वो कलर अप्लाई कर लिया है बिकॉज आपको पता है आईज़ के नीचे भी कलर लगाना पड़ता है वरना आईज़ बिल्कुल सूनी सूनी लगती हैं। सो अभी मेरे पास ओरिफ्लेम का बिग लैश मस्कारा है जो कि आपकी रियल आई लैशेज को बड़ा अच्छा सा वॉल्यूम जो है वो दे देता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लैशेज हैं वो पतली हैं छोटी हैं मज़ा नहीं आता इन पे मस्कारा लगा के भी सो आप ये वाला मस्कारा यूज़ कर सकते हो। अभी मेरे पास आसमा खान मतलब मेरी अपनी ब्रांड की लैशेज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसका आर्टिकल है मेरे पास सैचर्ड है। सो इसको मैं क्रिस्टीन की लैश ग्लू के साथ बड़े अच्छे से जो है वो लगा दूंगी मस्कारा सॉरी लाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ओरिफ्लेम का आईलाइनर जो कि वाटर प्रूफ है। सो ब्राइडल के लिए बड़ा ही ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसका ब्रश बड़ा मज़े का है तो आप मज़े का विंग लुक लाइनर जो है उन्हें इसके साथ लगा सकते हो। अभी जी लिप ग्लॉस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे पास काशियस का मैट लिप ग्लॉस है जिसका शेड है मेरे पास एक्सट्रीम रेड शेड। सो जी बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि आप जो है वो लिप ग्लॉस कौन सा रेकमेंड करेंगे स्पेशली ब्राइडल के लिए और रेड शेड जो है वो कौन सा अच्छा रहता है। सो ये वाला शेड बेस्ट है आपके लिप्स को बिल्कुल भी लाइक इनकी जितने भी सीरीज है ना काशिज के लिप ग्लॉस के आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करते। सो जी आज के अंदर मैंने काशिज का ही जेल लाइनर लगाया है वाइट वाला, फेस को हाईलाइट करने के लिए गिबरेली का हाईलाइटर यूज़ किया है और लास्ट पे जी मेरे पास ऑफिस ब्रांड के ग्लिटर थे जो कि बिल्कुल बारीक चंक्स में है, सिल्वर कलर का ग्लिटर है। और आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो डेवी लुक बहुत ज़्यादा ग्लॉसी लुक जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो इसको मैं अपने चिक्स पर लगाऊंगी जिसके साथ आप सीलर भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट लगाते हो ना तो ये आपके फेस से डस्ट आउट हो जाता है। सो जी फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है, यू कैन सी कि बड़ा ही खूबसूरत सा मेकअप लुक हमने कुछ हैक्स को यूज़ करके विद इन 10 to 15 minutes में जो है वो अचीव कर लिया है जो कि आप भी कर सकते हो बिकॉज इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो आपको मेकअप की ABC भी नहीं पता ना तो आप बस 1 week मेरी वीडियोज़ जो है वो देखो रेगुलरली और उनकी प्रैक्टिस करो साथ साथ जैसे जैसे मैं कह रही हूँ सेम सेम वैसा करो तो आई श्योर यू कि आप जो है ना एक मेकअप आर्टिस्ट परफेक्ट तो नहीं लेकिन आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बन जाओगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट भी हो जाओगे। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस ट्राई करते रहें करते रहें करते रहें और तब तक करते रहें जब तक कि आप उस काम को कर ना लें। और ये खूबसूरत सी जुड़ी जो कि आज की इस वीडियो में मैंने कैरे की हुई है, इसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कैरे किया था जिस पर आप लोगों ने बहुत 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 ज़्यादा अप्रिशिएट किया और बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि आपने ये जुड़ी कहाँ से ली है। दैट्स वाई मैंने इसको दोबारा से अपनी मॉडल को पहनाया ताकि आपको दिखा सकूँ और बता सकूँ कि इस जुड़ी को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हो ना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ऑर्डर करके ना इस जुड़ी को मंगवा सकते हो। इनके 2 pages हैं इंस्टाग्राम पे, एक सेठी ज्वेलर्स के नाम से और एक मकिया कलेक्शन के नाम से है। स्क्रीन पर आपको दोनों के स्क्रीनशॉट नज़र आ रहे होंगे, लाजमी विजिट करें। इसके अलावा मुझे भी इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लें आसमा खान ऑफिशियल के नाम से। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।